कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम ले लेता हूँ, राहुल स्वामी, कृष्णेंदु चक्रवर्ती, स्वरूप, निखिल, विवेक, गौरव, दीक्षा, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे जीमेल पे एक बार मुझे मेल किए थे और आज तक मुझे याद है दोस्तों। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था देखो यार, ये जिनका भी नाम लिया, अगर तुम लोग देख रहे हो इस वीडियो को तो नीचे कमेंट करके बताओ यार कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। मैं जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं ना, मैंने बार बार ये चीज बोल रखा है दोस्तों कि अगर 50 दिन आपके पास है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, आप लोग तो फिल कर ही लोगे। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, 50 मॉक टेस्ट लगाना ही चाहिए। 60 दिन आपके पास बचा है तो 60 मॉक टेस्ट लगाना ही चाहिए। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है दोस्तों जो रामबाण की तरह काम करेगा कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। मतलब आपने ये कोर्स है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो मान लो कोई एक टॉनिक देता है, डॉक्टर बोलता है कि 7 दिन तक खा ले बेटा, तुझे 6 महीने तक और कोई भी बुखार नहीं आने वाला, और 5 दिन तक अगर मैं खा लेता हूं, 2 दिन का छोड़ देता हूं तो बीच में शायद बुखार आ सकता है, लेकिन 7 दिन का कंप्लीट कर दिया तो बुखार कभी नहीं चढ़ने वाला। तो ठीक उसी तरह आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं दोस्तों, 35 मॉक टेस्ट। एक बार ठान लो यार, एक बार क्लियर हो जाओ, ठान लो, आप में ना वो विजुअलाइजेशन की अगर क्लैरिटी है ना तो आप कुछ भी कर जाओगे, कुछ भी कर जाओगे। कोई माइक लाल नहीं है आपको रोकने के लिए, मैं सही से बताता हूं दोस्तों। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि 35 मॉक टेस्ट, मैं उनके बारे में बता रहा हूं जो प्रिलिम्स एग्जामिनेशन निकाल नहीं पा रहे और बार बार परेशान हो रहे हैं कि प्रिलिम्स क्यों नहीं निकल रहा है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल में दर्द बिल्कुल समझ पाता हूं दोस्तों, लेकिन क्या आप में इतनी पेशेंस है, इतना मन में स्थिरता है, इतना गट्स है कि 35 मॉक टेस्ट का ये जो कैप्सूल मैं आपको दे रहा हूं, 35 मॉक टेस्ट का ये जो आपको एक रामबाण की तरह एक आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, क्या आप दिल पर हाथ रखकर बताना, क्या आप इन 11 दिन में ये 35 मॉक टेस्ट लगाने के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो, ईश्वर की कसम दे रहा हूं दोस्तों कि 99% लोग प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन निकाल देंगे, राइट ऑन रिकॉर्ड। ये मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं दोस्तों। देखो होता क्या है, हम क्या करते हैं दोस्तों, मतलब होता क्या है, मतलब हमारे पास ना प्रॉब्लम प्लेंटी है, हमारे पास ये टेस्ट सीरीज है, ये है, वो है, ये है, ये है। जब 5 टेस्ट सीरीज हमसे हमारे सामने नजर आता है, यहां का 2 दे लेते हैं फिर खत्म कर लेते हैं, यहां का 2 दे दें खत्म कर लेते, यहां का 3 दे दें, ये भाई ऐसा नहीं होता है। आपको कोई 2 टेस्ट सीरीज पकड़ना है और उन्हीं को साथ लेके चलना है, और पूरा कवर करना है, पूरा एंटायर खत्म करना है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि 35 मॉक टेस्ट अगर आप इन 11 दिन में दे सकते हो तो आप अगले 6 महीने तक आप कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन निकाल सकते हो। आईपीएस क्लर्क आने वाला है, आप कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन निकाल सकते हो, ये गारंटी है बॉस, ये झूठ नहीं है, ये सच है, ये हकीकत है, वांस करके तो देखो। अब 11 दिन में ये आपको अपनाना ही पड़ेगा दोस्तों। सो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि ऑब्वियसली मतलब शायद ये ऑलरेडी 1-2 तारीख हो चुका है, सॉरी 1 तारीख हो चुका है, तो ट्यूसडे से यानी आज से शाम 7 बजे मैं सॉल्व करूंगा क्वांट के मॉक टेस्ट पूरा रियल टाइम जैसे वाला सॉल्व करूंगा। पूरा शेड्यूल मैंने बना दिया है भाई, अगर कहां पे मिलेगा आपको ये शेड्यूल, हमारे टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का नाम क्या है, स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब। यार छोटी छोटी बातों पे मैं हमेशा वीडियो बना नहीं सकता, मैं टेलीग्राम पे आओ, मैं आपको शेड्यूल प्रोवाइड करा रहा हूं। और मैं हमेशा की तरह दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, पहले आपको दिखा देता हूं, ये मेरा टेस्ट सीरीज है, यहां पे आईपीएस पीओ प्रीलिम्स के 2019 का जो है, ये यहां पे आपको 36 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 36 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, एक फ्री का भी मिलेगा अगर आप चाहते हो तो दे सकते हो, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 15 सेक्शनल टेस्ट, ठीक है ना। तो एक फ्री भी है, आप चाहते हो तो उसको मतलब ऐसे इंटरफेस आएगा यहां पे, आप इसको ऐसे कर सकते हो, है ना, पूरा एग्जाम लेवल का इंटरफेस है, घर बैठो यार 1-1 घंटे का एग्जामिनेशन दे दो, क्या फर्क पड़ता है भाई किसी को, है ना। तो अब इसको संभालना कैसा है, इन सब चीजों को खत्म कैसे करना है यार, मतलब 11 दिन में, इस पे भी हमने शेड्यूल बना दिया है। कहां पे मिलेगा आपको, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ईयरली
अगर आप ईयरली पैकेज खरीदते हैं 399 वाला, तभी मैं आपको टेलीग्राम में ऐड करूंगा और शेड्यूल शेयर करूंगा, नोट्स प्रोवाइड करूंगा। और हमारा एक विचारधारा है दोस्तों, हम इस विचारधारा के हिसाब से जाएंगे, स्ट्रेटेजी के हिसाब से जाएंगे। आपको पसंद आता है तो आप आके ज्वाइन करिए, लेकिन जो भी है आपने जिसका भी टेस्ट सीरीज खरीदा है, मैं ये कंपेल नहीं कर रहा हूं कि आप मेरा ही टेस्ट सीरीज खरीदो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं जिसका भी आपने खरीदा है, आप प्लीज उसी का स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार खत्म करके देख सकते हो क्या, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा ना दोस्तों। अब कोई लोग बोलते हैं कि प्रीलिम्स के साथ हमें मेंस की भी तैयारी करना चाहिए। मेरे भाई अब 11 दिन बचा है, अब इसमें क्या तुम मेंस के बारे में अब सोचोगे, इसमें सोचोगे कैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अच्छा करें, और उसी के साथ थोड़ा डेली करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो यार, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली पक्का है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शबाखन, लव यू ऑल, अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस्मत आपकी है, वक्त आपका है, जिंदगी भी आपकी है, और किस हिसाब से आप आगे बढ़ने वाले हो ये विचारधारा भी आपकी है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय, और प्लीज टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करना, आपको डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। टेक केयर, बाय।